फ्रेंड्स, मैं यासिर जमील अल खैर गोल्ड फार्मिंग से। फ्रेंड्स, आज की मेरी वीडियो का टॉपिक है जो न्यू बॉर्न बेबीज़ होते हैं उनकी वैक्सीनेशन, और फिर थ्रू आउट उनकी जो वैक्सीनेशन होती है वो कौन कौन सी होती है और कैसे करनी चाहिए। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले तो ये कि जो है बच्चों में कुव्वत मुदाफ़ियत जो है वो अपने माँ के दूध से आती है, तो उसके बावजूद जो है उनको वैक्सीनेशन की क्यों ज़रूरत पड़ती है। अब जाहिर सी बात है, कुछ बीमारियाँ ऐसी होती हैं जिसकी जो है मुदाफ़ियत उसकी माँ में भी नहीं होती, तो जो है वो जो बीमारियों को जो है वो एंटीबॉडीज़ जो माँ के दूध की होती हैं वो कवर कर लेती हैं, वो तो ठीक है, लेकिन कुछ बीमारियां ऐसी होती हैं जिसके लिए जो है वो बच्चों को की वैक्सीनेशन करनी पड़ती है। तो अब इन बीमारियों से जो है बचने के लिए जो है वो रेगुलर वैक्सीनेशन करवाना ज़रूरी है फॉर्म पे। सबसे पहले तो जब बच्चा 30 दिन का हो जाए तो उसकी जो है वो एक वैक्सीनेशन आती है जो क्लॉस्ट्रिडियम कहलाती है। क्लॉस्ट्रिडियम की वैक्सीनेशन जो है वो करनी चाहिए। ये जो वैक्सीनेशन है ये बच्चों में जब वो ज़्यादा ओवर ईटिंग वगैरह करते हैं तो उससे जो बीमारियां पैदा होती हैं ये उनसे बचाने के लिए ये वैक्सीनेशन ज़रूरी है। फिर इस वैक्सीन के 3 से 4 हफ्ते के बाद जो है इनका फिर बूस्टर आता है, वो बूस्टर जो है ना वो इनको देना ज़रूरी है। वैक्सीनेशन के 3 से 4 हफ्ते के बाद क्लॉस्ट्रिडियम एंड टैटनस इसका बूस्टर जो है वो देना ज़रूरी है। फ्रेंड्स, आप अगर ख़ुद वैक्सीनेशन करते हैं तो अच्छी बात है, और अगर आप नहीं करते तो फिर किसी तजुर्बाकार बंदे से जो है या डॉक्टर से जो है उसकी खदमात हासिल करें, और या फिर यह है कि आप ख़ुद उसको सीख लें उनसे, बजाय इसके कि गलत वैक्सीनेशन करें गलत तरीके से, तो बेहतर यह है कि आप प्रॉपर उसको सीखें और फिर उसको जो है इस्तेमाल करें। तो ये जो न्यू बॉर्न बेबीज़ हैं उनमें ये जो वैक्सीनेशन है ये करना लाजमी है। अच्छा, फिर जो है बच्चों का जो बाकायदगी से मेडिकल चेकअप करवाते रहना चाहिए, ख़ासतौर से जब बच्चे छोटे होते हैं तो जो है उन पर जो है आप नज़र रखें, और जैसे जैसे वो बड़े होते जाएं तो उनका जो है वो रूटीन का चेकअप करवाएं, और बल्कि अपने वेटनरी डॉक्टर से मिलकर आप जो है उनकी वैक्सीनेशन का शेड्यूल बनाएं। तो बकरियों का जो ये जो बकरियों का जो उनके बच्चों में जो है ना वो पेट के कीड़े पेट में कीड़े पड़ जाते हैं, तो उसका जो है चेकअप भी लाजमी करवाएं, और उनके जो फुजला होता है या उनकी जो मेंगियां होती हैं उनके नमूने लेकर लेबॉरेटरी से बाकायदा टेस्ट भी करवाएं। अच्छा, ये जो डीवॉर्मिंग है ये भी जो है साल में कम अज़ कम 2 दफ़ा लाजमी करवाएँ 6-6 महीने से, और इसके अलावा जो है बच्चों का जो टेम्परेचर है दर्जा हरारत जिस्म का वो लाजमी वक्तन फ़ौक्तन चेक करते रहें। और उसके लिए ये होता है कि आप अपने पास थर्मामीटर रखें मेडिकल फर्स्ट एड बॉक्स में। बच्चों का जो नॉर्मल दर्जा हरारत होता है वो 101-102 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। इसके अलावा जो है इनके खालों पर जो है वो जुएं वगैरह घुस जाती हैं, तो जो है वो उनके फिर आपको पता है कि जुएं जो है वो खून चूसती हैं जिससे उनको तकलीफ़ होती है, वो बीमार हो सकते हैं, तो जिल्द की बीमारियां हो जाती हैं। तो उसके लिए जुओं को मारने के लिए जो है पाउडर आता है उसको स्प्रे करना ज़रूरी है इनके ऊपर जुओं को मारने के लिए। और उसका एक तरीका यह भी है कि जो इनकी जो खाल पर बाल होते हैं
ان کی جو ہے آپ وقتاً فوقتاً ٹرمنگ کرتے رہیں تو جتنے کم بال ہوں گے تو جوئیں جو ہیں وہ اتنا ہی ان کا بسیرا ان کی کھالوں پر کم ہوگا. تو یہ جو ہے ان کا میڈیکل چیک اپ جو ہے وہ خود سے آپ کرتے رہیں. اچھا پھر یہ ہے کہ بیماریوں سے بچنے کے لیے جو ہے مزید یہ جب آپ بچوں کو چراگاہ میں چھوڑتے ہیں بڑے جانوروں کے ساتھ جیسے جیسے وہ بڑے ہوتے ہیں دو ہفتے کے بعد, تو جب آپ ان کو چھوڑیں چراگاہ میں تو آپ جو ہے وہاں پر یہ کوشش کریں کہ وہاں کھاد وغیرہ کا ڈھیر نہ ہو یا جو فصلیں یا جو پودے ہیں ان میں کھاد وغیرہ نہ پڑی ہو کیونکہ اس سے جو ہے بچے بیمار ہو سکتے ہیں. تو یہ بھی جو ہے اس کا بھی خیال رکھنا ہے. تو چراگاہ کی جو صفائی ہے وہ کرتے رہیں اگر آپ بچوں کو وہاں چھوڑ رہے ہیں. تو فرینڈس یہ جو تھی میری ویڈیو, یہ امید ہے کہ آپ کو پسند آئی ہوگی. یہ بچوں کی نگہداشت کے سلسلے کی سیریز کی ویڈیو تھی. تو انشاءاللہ تعالی نیکسٹ ویڈیو میں ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.